कब तक जिल्लत की जिंदगी जियोगे? कब तक किसी के सामने अपनी सांस रोककर स्लिम दिखने की कोशिश करोगे? कब तक अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके मोबाइल के पीछे वाले कैमरे से फोटो लेते रहोगे? अरे कब तक अपने आप को एडजस्ट करके एप्स ढूंढते रहोगे? कब तक बॉडी बनाने के सपने देखते रहोगे? बहाने बनाना बंद करो। वाह यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या कॉन्फिगरेशन बना ली है तुमने अपने शरीर की। पृथ्वी का एक नया उपग्रह बना लिया है तुमने अपने पेट पर, वो भी गोल गोल। एक बरस हो गया तुझे सोचते सोचते कि मुझे बॉलीवुड जैसी बाइसेप बनानी है, हॉलीवुड जैसे सिक्स पैक बनाने हैं, 56 इंच का सीना बनाना है। तूने उन कामों की पर्ची बना ली जो तुझे बॉडी बनाने के बाद करनी है। किस तरह की टी शर्ट पहननी है, किस तरह का चश्मा लगाना है, किस तरह की बाइक चलानी है, किस तरह का एक्शन मारना है, या किसको डेट पर ले जाना है। सपनों पे सपने इकट्ठे हो गए तुम्हारे कि मुझे अपनी चर्बी घटानी है, मुझे अपनी थाई मजबूत करनी है, मुझे 350 सीसी की बाइक लेनी है, मुझे 2500 वाला चश्मा पहनना है। और सुन, ये सब सपने फर्जी हैं। जब तक तू अपनी चमड़ी को रानी बना के रखेगा, ये सब बेकार है। जब तक तू बहाने बनाता रहेगा, मुझसे लिखवा के ले ले कि तू अपना फेट कभी कम नहीं कर पाएगा, अपनी बॉडी नहीं बना पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बहुत हार्डवर्क चाहिए इसके लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए इसके लिए, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। तू तो रहने ही दे यार, फ्रेंच फ्राइज सॉस के साथ खा के सो जाना। और अगर तू अपनी बॉडी बनाने को लेकर सीरियस है तो उठ और अभी मुंह धो के आ। तेरे मुंह में जो प्याज वाले समोसे की बास आ रही है उसको टूथपेस्ट करके थूक डाल, और जूतों की लेस बांध कर अपना पिट्ठू बैग पीठ पर टांग ले, और कसम खा ले कि अब मैं अपने पेट के ऊपर पल रहे इस उपग्रह को तहस नहस कर दूंगा। शुरू में तो मुझे शर्म आएगी जब मेरे बगल में मुझसे कई गुना तगड़े बंदे की बाइसेप चमक रही होगी, लेकिन थोड़े दिन बाद मैं भी ग्लो मारूंगा। दिस इज नॉट अ वॉर, बट दिस इज नॉट लेस देन अ वॉर। तेरे और तेरी चर्बी के बीच का महायुद्ध, तेरे और तेरे आलस के बीच का विश्व युद्ध, तेरे और तेरे समोसों के बीच का द्वंद्व युद्ध। आज से अपने खाने का मेन्यू बदल देना और जिम में जाके ऐसी फुर्ती दिखाना जैसे कि तुम सुपर चार्ज होके आए हो। तुम्हें देख के लोग मोटिवेट हो और बोले कि मुझे तेरे जैसी बॉडी चाहिए। जिस दिन तुम्हें कमेंट सुन लो, समझ लेना कि मेहनत ने रंग लाना चालू कर दिया है। जब लोग तुम्हें ये बोले कि तुम पर ये ड्रेस सूट कर रही है, तो समझ लेना असर होना चालू हो गया है। सिर्फ ख्वाहिश रखने से बॉडी नहीं बनती, पसीना बहाने से और अच्छी डाइट लेने से बॉडी बनती है। तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं करेगा, तुम्हें खुद दूसरों का मोटिवेशन बनना है। हमेशा अपने आप को अपनी लिमिट से बाहर पुश करने की कोशिश करो। जितना तुम अपनी बॉडी को तोड़ोगे उतना तुम अपनी ताकत बढ़ाओगे, जितना तुम पसीना बहाओगे उतना ही निखार खुद में पाओगे। अगर रिजल्ट चाहिए तो पहले मेहनत इन्वेस्ट करो, फिर उस पर हक जमाओ। कभी कभी भीड़ से अलग दिखने के लिए भीड़ से ज्यादा दर्द उठाना पड़ता है। 100 साल भेड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। जब तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि यार बहुत हो गया अब रुक जा, तो अपनी बेइज्जती वाला दिन याद करना, देखना 2 रिपीटेशन ज्यादा मारोगे। फिर से कह रहा हूँ, ये मजाक नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग है। चीता की तरह ट्रेन होना है तुम्हें। जय हिंद, वंदे मातरम।